से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अगर वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप सब लोगों को सुबह बखैर। आज आपके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। उससे पहले चिंटू मिंटू पिंटू किंटू फिंकू को पता नहीं यार क्या नाम थे, खुराक डाल लेते हैं। वो चूमी करने लगे जी, लाइट चली गई, दोबारा लाइट चली गई। छांटी करनी होती है अच्छी तरह। आ रहा है ना नजर, ये देखिए इतना वेस्ट होता है ये एक दो दिन बाद। इतना एक दो दिन की रह गई बस इनकी खुराक थोड़ी सी। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं चाचू जान का तोता भी इनके अंदर छोड़ दिया था। वो इनके साथ सही तरह फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा, अलहदा अलहदा रहता है इनसे। कोई नहीं, हो जाएगी इनकी सुलह, टेंशन ही नहीं। और जो आज का सबसे बड़ा बिग सरप्राइज है वो ये है कि बारिश हुई है, वो भी ठंड में। आए 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 आए। पिछले दिन से जब भी नमाज पढ़ने जाते थे तो मस्जिद में दुआ होती थी, या अल्लाह बारिश बरसा दो, या अल्लाह बारिश बरसा दो। तो आज फाइनली बारिश बरस चुकी है और बहुत ज़्यादा हुई है। रात से हो रही थी हल्की हल्की रात से, लेकिन जब मैं बूठा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हुई है। देखें पानी पानी बाहर, चिक्कड़ 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 नहीं कीचड़। ओए देखें काम ख़राब है सारा। रोड हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि आपको पता है, और जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। हाँ जी आ जाए पापा, वो रहे बाबा जान भी आ रहे हैं। बारिश में क्या कह रहा था, बुला दिया सोचे ने। चाचू की चार पाई पूरी भेजी गई रात दी, इतने भैया लग गया। ओए बहुत ठंड है यार। और देखें छत से भी एक नज़ारा ले लें। प्लांट्स रिफ्रेशिंग हो गए हैं, लेकिन पत्ते सारे उतर चुके हैं उनके, और हमारे नीचे वाले हुए होंगे वो थोड़े बहुत। और ये चाचू जान के तोते का पिंजरा पड़ा है, ये चाचू जान की चारपाई पड़ी है जो कि भीग चुकी है। एंजॉयफुल डे होगा आज का बहुत। अब भी हम नाश्ता कर कर घर के काम काज में मसरूफ हो जाएंगे, आपको भी साथ दिखाएंगे सब कुछ। पापा जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मसा खराब है जी यार। की होया किचड़ किचड़ यार, किचड़ नहीं फिसल रही, बंदा गिरने करता। अब वैसे कुछ देर पहले गिरने लगे थे वहाँ से, लेकिन बच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी एलोवेरा, ये एक छोटा सा प्लांट है जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। एंड ये एक है, ये फारग हो चुका है, और ये एक कलियों का है प्लांट। और कौन सा प्लांट है, और कोई भी नहीं। लाइट अभी आई थी लेकिन फिर चली गई, पता नहीं क्या रोले बन रहे हैं। ये हालात हैं कुछ बाजार के। कितना खलारा पाया है यार। मम्मा जी नाश्ता दे दो। मुझे याद आ गए उमर साहब, दो साना ले आ सकता हूं मैं। अंजलि ले आऊंगा, नाश्ता कर लिया मैंने। पापा ने कहा था कि गाड़ी अंदर ला कर दो, वहां से मैं गाड़ी अंदर लाया हूँ और काफी फिसलन है उधर। तो ये हाल होता है कुछ शूजों का, कीचड़ से भर गए हैं। मैंने बाबा जान को छोड़ कर आना है, बाबा जान ने कहा था तुम चौक पर जाकर खड़े हो जाना, तो इसीलिए मैं चौक पर जा रहा हूँ। जूती यही वाली पहननी है यार, शूज़ पहन लूँगा वो ख़राब हो जाएंगे। जूती ये फिसलन वाली है, मैंने वो चौक पर जाना है, तो चौक पर जाकर मिलते हैं भाई। सावधानी से चलना पड़ना, सावधानी। सावधान तो इंडियन वर्ड है ना, सावधान। और यार केयरफुली, अब मैं वो तो गया मैं गया, बहुत बारी गिरने से बचाऊंगा। ये हाल है कुछ। ओए ओए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओए बहुत ठंडी हवा है। अब फिर कीचड़ आ गया, अब घर जाकर मिलते हैं भाई, घर जाकर। मशहूर बेहतरीन चाय। देखा फिर कितने मजे की
चाय बन रही थी मेरे पीछे, तो मुझे भाई ने कहा है एक काम, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ सूट उठाने, वो सूट लेकर फिर हम जाएंगे घर, फिर अगले काम की तरफ देंगे। तो अभी तो सिर्फ इतने काम है, आज बारिश हुई है, आज मुझे थोड़े ही काम मिलेंगे, आज सुकून से आराम करेंगे। और मैं इतनी दफ़ा फिसलने लगा था जब मैं बाबा जान को छोड़ने जा रहा था, इतनी दफ़ा फिसलने लगा था क्योंकि जूती यार ख़राब हुई, न्यू लेनी है। अब ये जब हालात के ठीक होंगे ना, ये रोड के पानी वगैरह के, फिर लेने जाएंगे जूती। अरे मम्मा जी जैसे कि आपने देखा मैं टेलर साहब के पास गया, ना ही उन्होंने मेरे से साइन लैंग्वेज में बात की, ना ही वो बोल सकते हैं ना ही वो सुन सकते हैं, लेकिन टेलरिंग ऐसी करते हैं कि पूरा शहर यहीं से सूट सिलवाता है अपने, और बहुत महारत है इनको टेलरिंग में। मैं आ गया हूँ, पाऊँ मेरे बिल्कुल गंदे हुए पड़े हैं, ले ट्राउज़र भी गंदा हो गया, ले लो आज ही पाया सी। इस ठंडे मौसम को सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हैवी तरीके से, और हम यहाँ अपने पाँव गंदे कर रहे हैं, घर से बेइज्जती करवा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। आज का मौसम इतना भी प्यारा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। जिन्हें जिन्हें काम कहने हैं वो कह ले, मैं पाँव वरना मैं पैर धो लेने हैं। कमरे में सुकून है क्योंकि चूल्हा जल रहा है, और पिछले दो दिन से मैंने सूट पहन के रखा है, ये वाला पर्पल वाला, इसको डाल देंगे इसकी जगह पर जहाँ इसकी थां है, ये है वो कितने कपड़े हो गए धोने वाले यार। ओ लाइट आ गई, 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 आए आए लाइट आ गई, चेक करो मोटर ऑन हो गई, यस ले फिर बंद हो गई। दिस इज माय शूज बॉक्स, वाकई मैंने शूज लिए थे बहुत देर पहले, ये पड़े ये वाले जो है ये वाले, और तो अब वो हमारे घर का बन चुका है टूल बॉक्स, और मुझे एक काम याद आ गया है जो कि सर अंजाम दिया जाएगा इससे। चार मोले पेचकस से इसको भी कर लेंगे। साबन दानी लाई थी कल मामा जान कि ये जो गंदी वाली साबन दानी लगी हुई है ये उतार कर ये वाली लगा दो इधर इस तरह, तो ये लगाएंगे ये उतार देंगे, हो गया चार मुंह वाला पेचकस। ये खुलने भी है कि नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम। तो बड़े सख्त तरीके से लगाई हुई भाई, खुल गई है, खुल गई है भाई, खुल गई है। इतना जोर, कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है, तो जंग से भरी पड़ी है अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं। खोल लेते हैं इसको, ओ आ जा बाहर, कितना बड़ा पेच है यार, तो बाहर ही नहीं आ रहा भाई, इतने बड़े बड़े पेच लाए हुए, अल्लाह माफ करे। अब दूसरे की बारी यार, ये खोल कर ही दिखाऊंगा आपको। ओके देर के लगे हुए हैं, और ये इतना जोर ले रहा है ना, मैंने अब इसको थोड़ा सा सरसों का तेल दिया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। काम देख लो जितना छोटा लग रहा है उतना है नहीं, हाथ मेरा लाल हो गया है, और ये पेच नहीं खुल रहा, अभी इसको हम तोड़ने लगे हैं, इन्हें भी मार दे पेच को, मार दो छोटे हो गया काम, मुझे पहले बताओ आप। ये पकड़, मुझे पेच अब भाई खोल कर दे रहे हैं बड़े। इतनी आसानी से खुल रहा है उनसे, मेरे से नहीं खुल रहा था। ओ ये देखें जरा कितना गंदा पेच है, मैंने सारा खराब कर दिया तुम्हारा। क्या करो, बाकी मेरा काम है। कील मुझे मिल गए हैं दो, बारिश फिर आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तेज,
इसलिए अब इसको यहाँ ठोकेंगे, सही समय ठोकर ही बताऊंगा। मेरे कैमरे पर पानी पड़ रहा है, ओके। मिरर से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश हो रही है और मैंने ये लगा दिया है, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ से टूट गई, लेकिन किसी ने देखा नहीं भी, चलो खैर है। आज का दिन बहुत इंजॉय वाला है, लेकिन बंदा मरी हो ना, आए हाय आए चस आ जाए। लेकिन ना अभी भी बाहर गया था, बहुत बारी फिसलने से बचे हैं हम, एक दफ़ा बाइक से भी गिरने से बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाहर नहीं जाएंगे, अब घर ही रहेंगे। आज दिखाता हूँ आपको कि हमारे घर आज क्या पक रहा है। जाना आज क्या पक रहा है? आलू मेथी। अम्मी जी मेथी से फायदा दसो, अम्मी दसोगे? अच्छा पढ़ दें तुसी, चलो पढ़ दो। अभी अभी मैं फ्रूट खा कर हटा हूँ, अमरूद, एक सेब और एक माल्टा, ये बाकी मामा जान के लिए रख दिया है मैंने। और अभी यार ये पड़ा है, मुझे ये छीलना नहीं आता, वरना मैं ये ना काट लेता। अनार द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रूट, पता नहीं कि क्या कहेंगे इसे, पोमेग्रेनेट, पता नहीं क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, उर्दू में अनार, इसको गुआवा, और ये ऑरेंज एप्पल, इसका नाम बहुत मुश्किल है, पोमेग्रेनेट, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, यार हार्ड सा नाम है, ये मुझे काटना नहीं आता, वरना मैं काट लेता अभी तक। और ये एक और एप्पल पड़ा हुआ है, ये प्यारा सा, माशाल्लाह। फाइनली घर की सफाई हो चुकी है पूरी, और ये बरामदा गीला है तो इसलिए हम चला देंगे पंखा ताकि सूख जाए और हम यहाँ से हो जाएंगे परे। जो भी बाहर से आएगा वो पहले बाहर से अपने पाँव साफ करे अच्छी तरह, फिर अंदर आएगा वो, ठीक है ना? ओके। जिस तरह मैं पार्टी बिस्किट लेने गया था तो अच्छी तरह पाँव साफ कर कर अंदर जाऊँगा, लेकिन फिर भी मिट्टी लगेगी, नहीं लगी, कुछ कुछ जगह पर पाँव रख लेंगे ना ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। ओ ठंडे, ओ मैंने बलून बना लिया बहुत बड़ा, ये देखें चेक करें, इसको फाड़ दें, ओ फट गया, वाह यार क्या सीन कैप्चर हुआ है कसम से। एक ठंडा मौसम और एक देसी घी की चमकदार रोटी और आलू मेथी, यार इतना मज़ा आ रहा है ना, बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स यार बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया आज का दिन बारिश का, आए हाय। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपने दुआ में याद रखें। सारा लाइन मुझे याद हो गई है क्योंकि 80 वीडियोज़ हो गई हैं, 70 हुई हैं या 80 हो गई हैं शायद, तब से मैं यही रिपीट करता रहा हूँ, मुझे फास्टली याद हो चुका है।